तो इसको स्त्री से इसके किनारों को इस तरह से हम ये जो टर्न किए हुए इसके हिस्से हैं इनको सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद इसके किनारों पे हम मशीन के मगजी फोल्डर से हम इस तरह से टर्न करके यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो ये सभी को पाइपिंग लगाने के बाद हम यहाँ पे थुनट देंगे और फिर इसको सिलाई करेंगे। जब हमने अपनी मशीन के साथ ये मगजी फोल्डर सेट किया है और अपनी पाइपिंग के किनारों को हमने इस तरह से इस्त्री से बिल्कुल स्ट्रेट किया है, इसके किनारों को खोल लिया है और इसके अंदर हमने इस तरह से इसको सेट किया है। अब हम इस मगजी फोल्डर से अपनी फ्रिज के किनारों को पाइपिंग लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। फोल्डर से नहायत ही खूबसूरती से पाइपिंग लगाई जाती है। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी फ्रिज को पाइपिंग लगाते जाएंगे।